उच्चतम न्यायालय ने 18 अगस्त 2021 को एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी करते हुए महिला उम्मीदवारों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए की परीक्षा में सम्मिलित होने की छूट दे दी है। शीर्ष अदालत ने एनडीए परीक्षा को लेकर अपने आदेश में कहा कि सेना का पॉलिसी डिसीजन लैंगिक समानता के लिहाज से भेदभावपूर्ण है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष में 2 बार आयोजित की जाने वाली एनडीए परीक्षा के वर्ष 2021 के सेकेंड एडिशन की परीक्षा 5 सितम्बर को आयोजित की जानी है, जिसमें अब महिला उम्मीदवार भी बैठ सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की खंडपीठ ने एनडीए प्रवेश परीक्षा में महिलाओं के सम्मिलित होने के लिए अनुमति की मांग वाली एक रिट याचिका पर यह अंतरिम आदेश जारी किया है। ये रिट याचिका कुशकालरा के द्वारा दायर की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि पात्र महिला उम्मीदवारों को एनडीए में शामिल होने के अवसर से वंचित करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 19 का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया था कि योग्य महिला उम्मीदवारों को उनके जेंडर के आधार पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल होने के अवसर से वंचित कर दिया गया है, जो बाद में महिला अधिकारियों के लिए करियर में उन्नति के अवसरों में बाधा बन जाता है। संघ लोक सेवा यानी यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली एनडीए परीक्षा में मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट से संबंधित 2 पेपर होते हैं। दोनों ही पेपर 2 घंटे 30 मिनट के होते हैं। मैथ के पेपर के लिए 300 अंक निर्धारित किए गए हैं, वहीं जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए 600 अंक निर्धारित होते हैं। एनडीए परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर सफल घोषित उम्मीदवारों को अगले चरण में सेवा चयन बोर्ड यानी कि एसएसबी द्वारा आयोजित की जाने वाले इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट से गुजरना होता है। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें जागरणजोश.com।